ये हमारा लीनियर अलजेब्रा की टॉपिक पर सेकंड लेक्चर है। हमने अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस का मैथमेटिक्स में जो मोटिवेशन आया है वो फिजिकल साइंस में जो वेक्टर्स आप फेमिलियर थे इसको उसी से हमने लिया था मोटिवेशन। और मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि बिल्कुल डेफिनेशन जो चीज़ वहाँ फिजिकल वेक्टर्स के साथ हो रही थी और स्केलर के साथ हो रही थी उसी को हमने डेफिनेशन का रूप दिया था वेक्टर स्पेस के लिए मैथमेटिक्स में। मैंने आपको वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल भी दिखाया था और मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल जैसे ही वेक्टर नाम आता है तो आपको लगता है कोई वेक्टर जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला वेक्टर है वैसे ही वेक्टर दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको 2x2 रियल मैट्रिक्स को भी वेक्टर स्पेस बना के दिखाया था रियल नंबर के फील्ड के ऊपर। फिर मैंने कल आपको सब स्पेस की डेफिनेशन दी थी। ये सारी बातें वैसे ही चल रही है अलजेब्रा के स्ट्रक्चर में जैसे हमने ग्रुप के लिए और रिंग के लिए किया है। सब स्पेस कुछ नहीं, उसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट लिया और वो फिर स्वयं वेक्टर स्पेस बन जाए उसी ऑपरेशन में जो एडिशन की ऑपरेशन वेक्टर स्पेस पर थी और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी। तो सब स्पेस भी का भी जो फील्ड ऑफ स्केलर होता है वो वही होता है जो वेक्टर स्पेस का फील्ड ऑफ स्केलर था। तो हमने वेक्टर स्पेस बनाया और मैंने मैट्रिसेस का ही 2x2 मैट्रिसेस का ही एक सबसेट लिया था जिसको मैंने वेक्टर सब स्पेस बनाया था। हम फिर से आज हमें कुछ और ऑब्जेक्ट डिफाइन करने हैं जिसमें मैं आपको वेक्टर्स जो मैंने वेक्टर्स दिए थे उनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने और डिपेंडेंट होने की बात करना चाहता हूँ, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करना चाहता हूँ। पर उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं कुछ एग्जाम्पल्स और डेवलप करूँगा इन्हीं बातों के लिए। तो मेरा एग्जाम्पल है कुछ नहीं, वही जैसे आप कार्टेशियन रियल लाइन को आप आर से दिखाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को R2 से दिखाते थे, आर क्रॉस आर। थ्री स्पेस को, थ्री डायमेंशन की स्पेस को आप R3 से दिखाते थे और इसी तरह से आप n डायमेंशन की स्पेस को Rn से दिखा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको केवल R3 में दे रहा हूं, ये एग्जांपल आप जनरलाइज कर सकते हैं Rn तक, R2 में। सो कंसीडर कंसीडर the set of real triplets as R3 ये ट्रिपल्स हैं, इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 जहां x1 x2 और x3 कुछ नहीं बल्कि क्या है रियल नंबर्स हैं। ये सेट लिया मैंने, ये सेट रियल के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है, इसको रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं। इट कैन बी सीन इजीली दैट R3 फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। अब आप बोलेंगे वो ऑपरेशन कौन सी थी जिनके ऊपर बोल रहे हैं वेक्टर स्पेस बनेगा, तो एडिशन की ऑपरेशन जो जिसके रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप बनता है वो तो मैं आपको बता रहा हूं क्या है, सिंपल सा है। इन ट्रिपलेट्स को ऐड करना बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट वाइज ऐड कर दीजिए। सो फॉर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू R3 जहां पर एक्स क्या है X1 X2 X3, वाई क्या है Y1 Y2 Y3, ये एक्स और वाई कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई R3 के मेंबर हैं और जो इस तरह से दिखते हैं जी यहां लिखा हुआ है। तो मैंने ये डेफिनेशन है एडिशन की, कोई खास बात नहीं है। Y1 Y2 Y3 कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन है X1 प्लस Y1
x2 + y2 x3 + y3, ये एडिशन है। मैं इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे ये सेट अबेलियन ग्रुप बनाता है, R3 विथ रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। यदि आप ध्यान से देखें, देखिए मैथमेटिक्स को ना देखने का, यदि आप मैथमेटिक्स में आई हुई चीजों को देखने का आप देखने का तरीका बदलें, तो आपको लगेगा ये चीजों से आप पहले से फैमिलियर हैं। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है। इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है, या इसको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में भी लोग देखते हैं इसी वेक्टर को, तो ये R3 की कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो जो बात मैंने आप मैट्रिक्स के लिए की थी वो सारी बातें यहां भी सही हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा इस x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये x का एडिटिव इनवर्स -x होगा, और -x लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, -x1 -x2 -x3। यदि आप इस x क्या था याद करो, x1 x2 x3, इस x में यदि -x को आप ऐड करो तो आपको पता है ये एडिटिव इनवर्स है x का, तो यहां आंसर 0 आना चाहिए और वास्तव में 0 आ रहा है। R3 का 0 क्या होगा, R3 का 0 वो होगा जिसमें हर कोऑर्डिनेट पर 0 0 0, तो इसको इसमें ऐड किया तो बच्चा जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि x1 - x1 क्या हुआ 0, x2 - x2 क्या हुआ 0, x3 - x3 क्या हुआ 0, और ये R3 का 0 है जिसको मैंने बिग O से लिख दिया है। सिंपल सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। क्यों, देखिए दो ट्रिपलेट्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको ट्रिपलेट ही मिलता है, ये उसी का मेंबर है, R3 का ही मेंबर है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जीरो एलिमेंट होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप ऐसे जोड़ें चाहे y1 + x1 लिख दें, ये बराबर होता है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, y1 + x1, y2 + x2, y3 + x3। इसका मतलब ये बराबर होता है y1 y2 y3 + x1 x2 x3, मतलब y + x, तो x + y बराबर होता है y + x। बहुत सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल वे में देखिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा भाई, वेक्टर स्पेस के, तो मुझे ये भी चाहिए, एक ऑपरेशन और चाहिए जिसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अल्फा कोई स्केलर है, मतलब अल्फा कोई रियल नंबर है, एक्स जिसको आपने x1 x2 और x3 हम कह रहे हैं, ये किसका मेंबर है, R3 का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया, अल्फा एक्स डिफाइन करना फिर इजी है, इस अल्फा को हर कोऑर्डिनेट पर मल्टीप्लाई कर दो, इस अल्फा को हर कोऑर्डिनेट पर, क्या मिला आपको, α x1 α x2 और α x3। देखिए फिर से आपको ट्रिपलेट्स मिला, इसका मतलब किसका मेंबर मिला, फिर से R3 का मेंबर मिला, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसमें आप सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं जितनी चीजें चाहें, जो मैंने कल लिखाई थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूं, α x + y क्या होगा, क्या होना चाहिए था, α x + α y, वो बिल्कुल होगा। देखिए x क्या है, y क्या है, यस, इन दोनों को ऐड किया, तरीका बताया आपको एडिशन का, क्या आएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या आया, α x3, इसका मतलब क्या आया,
alpha x1, alpha x2, alpha x3, plus alpha y1, alpha y2, alpha y3. अल्फा को बाहर निकाल लीजिए, ये एक्स है, अल्फा को बाहर निकाल लीजिए वाई, देखिए अल्फा एक्स प्लस वाई, अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, आपकी आंखों के सामने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इस मल्टीप्लिकेशन वाली। इसका मतलब ये बात मेरी हो गई, आर थ्री क्या होगा, आर थ्री वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर, आर के ऊपर। अब जब मैं वेक्टर स्पेस कह रहा हूं तो मैंने आर थ्री का एग्जाम्पल क्यों दिया आप पूछेंगे। वेक्टर स्पेस के साथ में एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप यदि एक रियल लाइन में चल रहे हैं तो उसकी डायमेंशन हम एक कहते हैं, प्लेन में है तो हम डायमेंशन दो डायमेंशन कहते हैं, और यदि स्पेस में है तो हम तीन डायमेंशन तीन कहते हैं। इसकी डायमेंशन थ्री है, आर थ्री ये स्पेस दिखा रहा है। क्या मतलब है डायमेंशन से, कैसे हम डिफाइन करें डायमेंशन वेक्टर स्पेस की मैथमेटिकल फॉर्म में। दिखने में तो मुझे दिख रहा है डायमेंशन का क्या मतलब है, पर इस डायमेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा पहले, जो मैं बताता हूं आपको। बहुत अच्छी सी बात, ये आर थ्री का एग्जाम्पल याद रखिएगा, हम आर थ्री के एग्जाम्पल के ऊपर ही आपको कई बातें स्पष्ट करेंगे, तो अच्छा है कि एक छोटे से अच्छे और इजी एग्जाम्पल से आप चीजों को समझें, और इसी इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप और सोफिस्टिकेटेड, इनसे और सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, पर पहले हम समझें एक सिंपल एग्जाम्पल से। तो याद रखिए, मैं जो भी चीजें अभी समझाने जा रहा हूं, जब मुझे एग्जाम्पल देना होगा तो मैं इस आर थ्री का दूंगा, ये याद रखिएगा, इस स्पेस का। पहले हम जनरल वेक्टर स्पेस की बात, जनरल वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स के सेट को का लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, आप समझ गए, लीनियरिटी एडिशन जो है वो लीनियरिटी, एडिशन और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वो लीनियर का वर्ड नाम कहां से आया, y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस टी। ये यदि आप इसको ज्योमेट्री में ड्रॉ करें तो लाइन ड्रॉ होगी, लाइन, लाइन से वर्ड आया लीनियर। तो कॉम्बिनेशन किसका है, एडिशन का, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वेक्टर्स के। जब भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहूंगा इसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप बनाक स्पेस या इस तरह की किसी स्पेस की स्टडी ना करें, तो वो आपके एमएससी में या अपने रिसर्च में पढ़ेंगे, पर अभी तो हम केवल लीनियर जेब्रा की बात कर रहे हैं, तो हम फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे उसको। जब भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहूं तो याद रखिए मैं फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ज्यादा अच्छा होगा, आप याद रहेगा आपको हमेशा, लीनियर कॉम्बिनेशन। वी एफ, वो सेट था, एफ वो फील्ड था, ये फील्ड मैंने आपको बताया था मेरे पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स ये फील्ड या तो रियल नंबर का फील्ड होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले बता चुका हूं मैं हर बार एग्जांपल या तो रियल नंबर में दूंगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में दूंगा। तो वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, नाउ consider vectors u1, u2, u3, un in v, v में कुछ वेक्टर लीजिए, then linear combination of these vectors, linear combination of these vectors is denoted by alpha 1 u1,
प्लस अल्फा टू यू टू प्लस अल्फा एम यू एन। और याद करिए आपने ट्वेल्थ क्लास तक आते आते किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी सीख लिया, तो कई बार आपको अच्छा लगेगा यदि मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं समेशन के साइन में, आई इक्वल टू वन टू एम अल्फा आई यू आई। याद रखिए यू वन यू टू यू थ्री यू एम ये वेक्टर्स हैं, और ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम ये स्केलर्स हैं, फिट के मेंबर हैं। इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहता हूं, कितने वेक्टर्स का, एम वेक्टर्स का। हम बार बार वर्ड यूज करेंगे एल डॉट सी डॉट, लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा आपको? तो अब मैं इसको थोड़ा जनरल वे में कहूं, वी के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे दिखाएंगे? तो वी में तो फाइनाइट वेक्टर्स भी हो सकते हैं और वी में इनफाइनाइट वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा फाइनाइट वेक्टर। तो क्या कहेंगे, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज denoted by alpha j u j, j equal to 1 to finite linear combination. ये अल्फाज स्केलर हैं, स्केलर जीरो भी हो सकते हैं, याद रखिए स्केलर स्केलर है, जीरो भी हो सकता है, जहां अल्फा j जो है, वेयर अल्फा j f को बिलोंग करते हैं और यू जे वेक्टर है किससे, वेक्टर स्पेसिफिक से। ये आपका सिंपल सा लीनियर कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन इनके वेक्टर्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज डिनोटेड बाय दिस वन। ये वीजे कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं वी के, वीजे कोई भी वेक्टर हो सकते हैं वी के। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जब मुझे नहीं पता U1, U2, तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, तो कई लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देते हैं, अल्फा U। अल्फा फाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स हैं और U जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स चूज किए V से। फाइनाइट नंबर माने 10 उठाए, 20 उठाए, 30 उठाए, 40 उठाए, 50 उठाए, 5 उठाए, 2 उठाए, 3 उठाए, जो भी आपको फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, पूरा कलेक्शन है। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें क्या ब्यूटी है, देखिए ये कॉन्सेप्ट को हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। यदि आप मुझे किसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दे दें, ध्यान से देखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज बहुत अच्छे से देखिए, ये हमारी काम की चीज है। यदि मैं किसी वेक्टर स्पेस, लेट एस बी सबसेट ऑफ वी, एस कोई सबसेट है वी, ये सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, देन एस के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, एस के वेक्टर्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन लीजिए, देन कंसीडर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल All possible linear combination of vectors of S. Then consider collection of all possible linear combination of vector of S. इस collection को क्या कहेंगे? याद करो लीनियर कॉम्बिनेशन से भी वेक्टर बनेगा, किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही बनता है, और इसी वेक्टर स्पेस का वेक्टर बनेगा। अब मैंने ये सेट लिया है, अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है ये वेक्टर बाहर चले जाए, ये वी पर रहेगा, किसमें, वी में वेक्टर रहेगा, जरूरी नहीं कि एस में रहे, पर वेक्टर तो वी का ही रहेगा। दो वेक्टर को ऐड करते हैं तब भी वेक्टर ही मिलता है, एडिशन, तो आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको वेक्टर्स ही मिल रहे हैं।
पर इसका क्या खासियत क्या है, देखिए एस मैंने आपको वेक्टर दिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस डिनोटेड बाय, इसको हम लीनियर स्पैन ऑफ एस कहते हैं, डिनोटेड बाय किससे डिनोट होता है, डिनोटेड बाय एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस। लीनियर स्पैन ऑफ एस कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, अल्फा जे यू जे, जे वन से लेकर कहां तक गया, वन से लेकर वन तक जा सकता है, वन से टू तक, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बोला ना मैंने, तो ये एन फिक्स नहीं है यहां पर, मैंने यहां तो लिखा था वन से लेकर एन तक, ये एन कोई फिक्स नहीं है, एन की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो ऑन, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, जहां पर अल्फा जे मेंबर है एफ के और यू जे मेंबर है एस के, यूजे एस के मेंबर होंगे, मैं एस का लीनियर स्पैन ले रहा हूं, एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, और ये सबसेट हमेशा होगा वी का। इंटरेस्टिंग पॉइंट कुछ और है, एस केवल सबसेट था वी का, एस सबसेट सब स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हर सबसेट सब स्पेस नहीं होता, सब स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई सबसेट सब स्पेस तब होता है जब वो खुद वेक्टर स्पेस बनाए, पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करेंगे आप, किसी सबसेट का लीनियर स्पैन हमेशा सब स्पेस होता है, नोट दैट, क्या नोट करिए, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, पर मैं आपको इसको एग्जांपल से दिखाता हूं, घबराइए मत, हम एग्जांपल करते हैं आखिर में, और तब आपको ये चीज मेरे को लगता है और चीजें समझ में आएगी, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये मेरी डेफिनेशन है लीनियर स्पैन तक, याद रखिएगा मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन को हमेशा फाइनाइट लिया है, आप इनफाइनाइट वेक्टर्स नहीं ले सकते, उसको मतलब मीनिंगलेस है हमारे इस कोर्स में, क्योंकि इनफाइनाइट सम हम अभी नहीं, हमने डिफाइन नहीं किया व्हाट वी मीन बाय इनफाइनाइट सम हियर, तो मैं आपको अच्छा हो कि एक एग्जाम्पल दो जिससे आप चीजों को समझेंगे, ये मैंने आर्थिक बोला था क्या, सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स कहा था मैंने, मैं इसका एक सबसेट लेता हूं, आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं आसान सा सबसेट ले रहा हूं, वन जीरो 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 वन जीरो, ये सब स्पेस नहीं है, कौन बोलेगा कि एक सब स्पेस, एक झट देखते ही बोलते हैं सब स्पेस नहीं है, याद रखिए किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस में जीरो एलिमेंट होना चाहिए, इसमें जीरो एलिमेंट है ही नहीं, यदि आपको किसी भी सेट में जीरो एलिमेंट नहीं दिखाई दिया इसका मतलब वो सब स्पेस है ही नहीं, उसमें कुछ करने की और सोचने तक की जरूरत नहीं, तो यह सब स्पेस है नहीं, मैं इसका लीनियर स्पैन लेता हूं, यस क्या बोला था मैंने लीनियर स्पैन, याद करो मैंने बोला था फाइनाइट, ये तो वेक्टर, ये तो सेट खुद ही फाइनाइट है, इसमें तो केवल दो ही वेक्टर है, तो ये देखो लीनियर स्पैन दिया मैंने, प्लस जहां अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, ये इसके जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनका सेट है, बीटा जीरो हो जाएगा तो आपको वन जीरो जीरो के मल्टीप्लाई है, अल्फा जीरो हो जाएगा तो जीरो वन जीरो के मल्टीप्लाई है, अल्फा बीटा दोनों नॉन जीरो है तो दोनों के कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन आए हैं, हर तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले चुके हैं, यहां पर सब पॉसिबल आ गए जो मैंने लिखा था, इस सेट को जरा ध्यान से देखो, ये सेट क्या है,
जीरो बीटा जीरो, जहां अल्फा बीटा किसका मेंबर है, आर का। ये सेट क्या है, मैं शॉर्ट करते जा रहा हूं, ये दो ट्रिपलेट्स हैं, इनको जोड़ा तो क्या मिला, अल्फा बीटा जीरो। लीजिए, अब मुझे दिखाना है कि ये सब स्पेस है R3 का, ये R3 का सब स्पेस है, ये दिखाना है, ये दिखाने का काम ना, सब स्पेस दिखाने का काम इजी है। सब स्पेस दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरा फिर से पूरी वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करूं। सब स्पेस दिखाने का काम बड़ा इजी हो जाएगा यदि आप केवल दो काम कर दीजिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। दिखाइए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज है, मतलब इसके किसी भी दो एलिमेंट को यदि मैं ऐड करूं तो फिर से इसका ही एलिमेंट मिलेगा। इसके किसी भी एलिमेंट को यदि मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो इसका ही एलिमेंट मिलेगा, तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये उसका सब स्पेस है। और देखिए, एस सब स्पेस नहीं था, सबसेट था पर सब स्पेस नहीं था, और मैं दिखा रहा हूं एल एस हमेशा सब स्पेस होगा। देखिए, देखते हैं, आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करिए, एक्स मैंने पिक किया, दो एलिमेंट एक्स, तो दो एलिमेंट कौन से पिक कर लिए मैंने, ये एक्स होगा, ये अल्फा और बीटा, किसी अल्फा और बीटा के लिए, तो क्या लिखा मैंने इसको, अल्फा वन बीटा वन जीरो। और ये दूसरा एलिमेंट वाई पिक किया, वो भी कोई, उसकी भी कोई वैल्यू होगी अल्फा बीटा की, मान लीजिए वो वैल्यू अल्फा बीटा की अल्फा टू बीटा टू जीरो। भाई एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, एलएस के हैं ना, तो वो इस तरह दिखाई देंगे ना, और ये अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है, तो एक्स का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है वो ये होगा, और वाई का सेकंड क्वाड्रेंट कोई रियल नंबर होगा। अरे भाई, एक्स प्लस वाई क्या आया, देखो जरा सा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, हमने भी डिफाइन किया था क्वाड्रेंट वाइज, बीटा वन प्लस बीटा टू, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू रियल नंबर है, तो ये भी एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल नंबर है, कॉमा जीरो, तो ये तो पूरा का पूरा किसके तरह दिख रहा है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट तो इसकी तरह दिख रहा है, इसका मतलब ये किसका मेंबर है, ये इसका मेंबर है, इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, एडिशन इज क्लोज्ड। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, आप कोई स्केलर लो, मान लो एक्स मेंबर लेता हूं आर का, और एक्स मेंबर लेता हूं किसका, एल एस का, यही एक्स, इसी एक्स को लिया, एक्स एक्स, अच्छा एक्स एक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको एक्स ना लेके क्या ले ले भाई, थोड़ी देर के लिए क्या ले रहे, चलो एल्फा ले लेते हैं, एक्स मेंबर एक्स का, तो एल्फा एक्स क्या होगा, एक्स क्या लिया था याद करो, एल्फा वन बीटा वन जीरो, अल्फा अल्फा वन अल्फा बीटा वन अल्फा जीरो जीरो होता है, या देखो तो क्या एलिमेंट मिला, ये तो एलिमेंट अल्फा अल्फा वन भी रियल नंबर है, अल्फा बीटा वन भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये एलिमेंट बिल्कुल इसकी तरह है, अरे अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर होगा ना, तो ये इसका मतलब ये भी किसका मेंबर आ गया, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर स्केलर। रफली मैंने बोला ये दो बातें हो गई ना, आप चेक करिएगा, आपको आपको पता चल जाएगा ये वेक्टर सब स्पेस बन गया किसका, R3 का। डेफिनेशन देना तो अलग बात है, वो तो एक अलग चीज है, पर डेफिनेशन देना, किसी थ्योरम को प्रूफ करना तो जनरल प्रूफ देना होगा, पर ये मेरा एग्जांपल आपको बता रहा है कि ये चीज संभव है, ठीक है, हमें कुछ प्रूफ देने होंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ देंगे, ये बहुत इजी प्रूफ है जो मैंने आपसे पूछा, लीनियर स्पेन ऑफ ए सेट तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा किसी सबसेट का लीनियर स्पेन, आपको पता है किसी भी सेट का एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है,
phi is subset of every set. मान लीजिए v कोई वेक्टर स्पेस है, इसका सबसेट phi है. L phi क्या होगा? आप बोलेंगे सर phi में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं. कोई एलिमेंट है नहीं तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो थोड़ी देर के लिए चिंता मत करिए, इसको हम कन्वेंशनली, मैं यहां कन्वेंशनली लिख देता हूं, पर ये कन्वेंशनली क्या, ये तो जस्टिफाई कर सकते हैं. लीनियर स्पेन ऑफ एम्प्टी सेट को माना जाता है हमेशा जीरो सेट, सिंगलटन सेट जीरो. कोई यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में कि एम्प्टी सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, एम्प्टी सेट का लीनियर स्पेन क्या होगा, तो एम्प्टी सेट का लीनियर स्पेन एम्प्टी सेट नहीं होता. एम्प्टी सेट का लीनियर स्पेन नॉन एम्प्टी सेट होता है, जो सिंगलटन सेट है जो जीरो को कंटेन करता है. और ये सब स्पेस है, मैंने आपको बताया था दो सब स्पेस ट्रीवियल है. कौन से? यस, किसी भी वेक्टर स्पेस के दो ट्रीवियल सब स्पेस होते हैं. एक तो वेक्टर स्पेस इटसेल्फ और दूसरा होता है जीरो वेक्टर से बना हुआ सबसेट. इनको आप कहते हैं ट्रीवियल, ट्रीवियल और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबस्पेस. ये तो हमेशा मौजूद होते हैं. तो ये आपने इंटरेस्टिंग बात नोट की, इसको भूल मत जाइएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. एम्प्टी सेट का लीनियर स्पेन एम्प्टी सेट नहीं होता, ये सब स्पेस होता है जीरो एलिमेंट कंटेन करने वाला. वेरी गुड. अब हम किस जगह पे आ गए? हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया. अब हम तैयार हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने के लिए. ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, पर इनको आप पहले से जानते हैं. मैंने बताया था वेक्टर्स को, फिजिकल सेंस में वेक्टर्स को आप अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं, या तो मैकेनिक्स के कोर्स में या फिजिक्स के कोर्स में. तो इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से. कौन सी दो चीजें समझ रहे होंगे आप, मैं कहां आ रहा हूं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, या लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं? सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब होता है, यदि मैं आपको कोई कलेक्शन दूं वेक्टर का, कोई भी वेक्टर किसी भी दूसरे वेक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इतना ही नहीं, कोई भी वेक्टर किसी भी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है. मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब हो गया एक प्रकार से हर वेक्टर हर सेंस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. और लीनियरली वर्ड यूज, हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हम लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए लीनियर वर्ड आ रहा है, याद रखिए. तो मैंने कहा कोई सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दूं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वेक्टर बचे हुए वेक्टर पर, या किसी कोई भी वेक्टर बचे हुए वेक्टर्स या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता. सारे के सारे वेक्टर्स किसी सेंस में, सम सेंस में एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट. इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे कहें, याद करिए. तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपके क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के कोर्स में. याद करो, आपको अच्छे से पता है आपने यूनिट वेक्टर को यहां पर, इसमें यूनिट वेक्टर को आई कैप कहा था, इस यूनिट वेक्टर को वाई एक्सिस के जी कैप कहा था, और इस यूनिट वेक्टर को के कैप कहा था. ये यूनिट वेक्टर्स लिए थे आपने, याद करिए, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसके बारे में. और आपको अच्छे से पता है इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी बाकी दो पर डिपेंड नहीं करता किसी भी सेंस में. और ये आई जे के क्या थे? आई जे के आर इंडिपेंडेंट वेक्टर. तो मैं लिख दे रहा हूं linearly independent vectors. आप बताइए
बताइए मुझे, क्या आई को आप जी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? क्या जे को आई और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? क्या के को आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? नहीं। हाँ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप इस स्पेस के वेक्टर बनाते हैं, पर यदि मैं पूछूं आई को कैसे लिखेंगे जी और के टर्म्स में, तो आपको पता है नहीं, नहीं लिखा जा सकता। आई इक्वल टू अल्फा जे प्लस बीटा के नहीं होता किसी भी अल्फा और बीटा के लिए। यही बात जे के लिए सही है, यही बात के लिए सही है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे कहें? क्वेश्चन ये है, इसको मैथमेटिकली कैसे कहा जाए और क्या बोला जाए, इसी बात को मैं मैथमेटिकली कहता हूं। अभी आपको जस्टिफाई हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्यों मैथमेटिकली, जो मैंने मैथमेटिकली कहा है वो यहां वेरीफाई करता है चीजों को। सो इफ यू वन यू टू यू एन आर वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस वी एफ, then they are called linearly independent if linearly independent if for लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम ट्रीवियल लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहेंगे, ट्रीवियल लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वन यू वन प्लस अल्फा टू यू टू प्लस अल्फा एन यू एन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज फॉर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन वी हैव। यदि मैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन दूं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब अल्फा वन ऐसा ट्रिवियल कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है इंडिपेंडेंट वेक्टर के लिए जब ये सब के सब जीरो हो जाए। अदरवाइज ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये वेक्टर लीनियरली क्या हो गए? इंडिपेंडेंट है। ये वेक्टर लीनियरली क्या है? इंडिपेंडेंट है। फिर से सुनिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात हूं कहने लायक है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है यदि आप कैसा भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जो इक्वल टू जीरो है, यदि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसा कॉम्बिनेशन जीरो तभी देगा जब सारे के सारे स्केलर क्या हो जाए? जीरो। सारे के सारे स्केलर क्या हो जाए? जीरो। इसका मतलब ये बात नोट करने लायक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होते हैं वो जीरो वेक्टर को अपने अंदर नहीं रखते हैं। इसका मतलब कोई भी सेट वेक्टर का जिसमें जीरो वेक्टर समाया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सोचिए कैसे, क्यों? नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आप बोल रहे थे सर हमें बताइए ये आई जे की क्या चक्कर है? यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने इसीलिए आपसे बोला था मैं उस एग्जांपल में काम करूंगा। यदि आप ध्यान से देखें तो ये आई जे जो स्पेस बनाया है ये आर थ्री आर है, ये वेक्टर स्पेस यही है। यदि आप आई को देखें तो मेरा आई ये हो सकता है, जे को देखें तो मेरा जे ये है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए, के को देखें तो मेरा के ये है। मैं बातें बताऊंगा ये क्यों है, मैं अर्थ बदल बोला है, थ्री स्पेस का है आर थ्री आर से। तो ये मेरा आई है, वो मेरा जे है और वो मेरा के है। अब मुझे दिखाना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए अल्फा, यस अल्फा आई बीटा जे
गामा के इक्वल टू जीरो। किसका जीरो? आर थ्री का जीरो। आर थ्री का जीरो क्या होता है? जीरो जीरो जीरो। बोलिए अल्फा आई, मैंने आई मैंने क्या बोला था, मैंने वन कॉमा जीरो जीरो, तो ये हो गया अल्फा वन कॉमा जीरो जीरो, बीटा जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो, गामा जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जिसको मैंने ट्रीवियल लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, वो क्या कैसे अल्फा बीटा गामा के लिए सेटिस्फाई होगा? तो मैं ये दिखा दूंगा, अल्फा बीटा गामा तीनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और यही मेरी डेफिनेशन है, यदि ये सब जीरो हो गए तो इसका मतलब वेक्टर लीनियरली क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। और देखिए इसमें कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, सब जोड़ दीजिए, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करिए, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करिए, गामा को अंदर मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। दो ट्रिपलेट्स बराबर कब होते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। इसका मतलब अल्फा भी जीरो, बीटा भी जीरो और गामा भी जीरो। अल्फा भी जीरो, बीटा भी जीरो, गामा भी जीरो। देखिए आ गया आपका आंसर, आईजेके या कहिए 100 010 001 लीनियरली क्या है? इंडिपेंडेंट है। मैंने नोट क्या बोला आपसे कि यदि कोई वेक्टर जीरो होगा तो फिर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कैसे? यदि कोई वेक्टर इसमें से, मान लीजिए इसमें से एक वेक्टर यू टू नॉन जीरो है, सपोज यू टू, ओ सॉरी यू टू इज जीरो वेक्टर है इसमें, तो मैं ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं नॉन, मैं ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं बिना ये हुए। कैसे? देखो यू टू जीरो है, इसका मतलब मैंने क्या लिया, अल्फा वन यू वन, अल्फा वन को जीरो लिया, प्लस वन यू टू, प्लस जीरो यू थ्री, प्लस जीरो यू एन इक्वल टू यस जीरो। क्यों जीरो भाई? ये तो जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। यू टू क्या था? जीरो था। जीरो वेक्टर इंटू वन क्या होता है? जीरो। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हुआ? जीरो। ये तो क्या था? ये जीरो वेक्टर है। और देखिए मैंने सारे स्केलर जीरो नहीं लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो हर स्केलर को जीरो होना पड़ता, पर एक्चुअली एक वेक्टर नॉन जीरो, एक वेक्टर जीरो है, इसलिए मैंने क्या किया, सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं हुए, एक स्केलर नॉन जीरो है वन। इसीलिए जीरो को कंटेन करने वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। यदि जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दे और उसमें कहीं जीरो बैठा हुआ है, जीरो वेक्टर बैठा है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से बेसिक फंडामेंटल रूल जानते हैं। यदि किसी सेट में जीरो वेक्टर है तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी डेफिनेशन है, जो फाइनल डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। एक डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, इफ वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली, इफ वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। यदि आपके वेक्टर का सेट लीनियरली, यदि आपके वेक्टर का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम उसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। तो आपने देखा वो सेट जिसमें जीरो वेक्टर होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऐसे ही सेट लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिर से आखिरी में एग्जांपल उठा के दिखाता हूं और खत्म करते हैं अपने केस। लीनियरली का मतलब ये, डिपेंडेंट का मतलब
कोई एक बाकी बच्चे पर डिपेंड हो गया, सिंपल सा, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया। तो देखिए जैसे ये वेक्टर देखिए आर थ्री में ये वेक्टर लिए मैंने जी, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसा अच्छी तरह से ये लीनियरली डिपेंडेंट एलडी, एलआई का मतलब होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एलडी का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों है भाई लीनियर डिपेंडेंट, आपको के सामने दिख रहा है आपके, क्या वेक्टर 110 किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सम है इन दो वेक्टर का, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दो वेक्टर का। और मैंने कहा था जब भी कोई वेक्टर बचे हुए वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो कोई भी एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो गया वन, इसका ये वेक्टर इन दो वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप याद रखेंगे आज हमने क्या सीखा है, आज हमने लीनियर कॉम्बिनेशन सीखा वेक्टर्स का, फिर आज हमने किसी वेक्टर के किसी सबसेट के लीनियर स्पैन के बारे में सीखा, फिर हमने दिखाया कि लीनियर स्पैन किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमने दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का। अब हम अपने अगले लेक्चर में पार्ट में इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम बेसिस का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे वेक्टर स्पेस का, जो हमें डायमेंशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा वेक्टर स्पेस की, जो आप अल्टीमेटली पूछना चाहते हैं कि सर आप आर थ्री को थ्री स्पेस कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, डायमेंशन थ्री, आर टू की डायमेंशन टू क्यों कहते हैं, आर की डायमेंशन वन क्यों कहते हैं, ये तो वेक्टर स्पेस है, और जो आपने मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस बनाया था उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इन बातों को हम आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायमेंशन का।